मैं भी हिंदू, तुम भी हिंदू, इसका मतलब समझ रहे हो? अपन दोनों। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत सारे हिंदुत्ववादी मैसेजेस हैं जिसे सुनने और समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर रख लीजिएगा और हमारे सेकंड चैनल को डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर 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 से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज उस पर भी वीडियो आएगी शाम को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। ये जो फिल्म स्टार गुटके का ऐड करते हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के एक विनती थी कि कभी लाइव आके अपनी औलादों को भी यही गुटका खिला के देश के सामने एक मिसाल जरूर पेश करें। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन्स वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां जिबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन लिख लें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली हजार साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। मैं चला जब रोकने दीवार थी, दुनिया खड़ी थी, कभी ये मत सोचना कि अकेला आदमी क्या कर सकता है। और यदि हम लड़ाई में सफलता नहीं पा रहे तो हमें पीछे हटना चाहिए, ये कभी मन में भाव मत लाना। मैं चला जब रोकने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, मैं हंसा तब भी बनी जब आप सावन की झड़ी थी, उस समय भी मुस्कुराकर गीत में गाता रहा था जबकि मेरे सामने खुद लाशी मेरी पड़ी थी। आज है यदि देह लथपथ, रक्त में पक कंठ के दमक, फेंक दूं निज शीश का भार ये संभव नहीं है, फेंक दूं निज शीश का मैं भार ये संभव नहीं है, पंथ की कठिनाइयों से मान लूं मैं हार ये संभव नहीं। यार, तालिबान में ना बीजेपी है, ना वहां आरएसएस है, ना बजरंग दल है, फिर भी हाय तौबा तो मची है। मतलब ये मुसलमान 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 लड़ रहे हैं, नहीं मतलब मुसलमान किससे भाग रहे हैं? मुसलमानों से। अरे यार, अपने यहाँ ठीक है भाई, महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, जान तो सलामत है सबकी, महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, जान तो सलामत है सबकी। अब पेट्रोल क्या महंगा क्या है, कहाँ महंगा है, 50 रुपए का आधा जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हंसदा वसदा ये सारा जहान जीवे, धरती पौन पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चन्न सितारे ये सारा आसमान जीवे, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे, ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जी। सिकंदर ने डरा के दुनिया जीती सी, सिकंदर ने खौफ नाल दुनिया जीती सी, इमरान खान साहब तुसी ओ सिकंदर हो जिन्हें पूरी दुनिया दे दिल जीते है, दिलां दे विच वास करदे हो, दिलां दे विच राज करदे हो, लोग ढाडी जत्थे थोड़े गाने गांदे आ, ठोको तारी टका के ठोको। अज वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और पे रख लीजिएगा और हाँ, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए और अब भी सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.
ओगरे राजपूत जैसे यहाँ सभी जातियाँ इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ भी उस समय सभी जातियाँ मौजूद थी, लेकिन हम सब कौन काफिर। एक रात मस्जिदों से ऐलान हुआ, अल्लाह को ना मानने वाले काफिर 24 घंटे के अंदर अंदर घाटी खाली कर दें, लेकिन अपनी घर की औरतों को वो वहीं छोड़ कर जाएं। मेरी माँ वहाँ जिन्हें राखी बांधा करती थी, भाई बोला करती थी, जो लोग हमारे बागों में हमारे घरों में काम किया करते थे, नजरें बदली उनकी। 13 वर्ष की आयु सीमेंट के ट्रक में छुपकर भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़कर, खाली हाथ। भजन लाल सोपुरी, संतूर वादक पदम श्री, मेरे सगे ताऊ जी, उनकी कोई प्रसिद्धि हमारे किसी के काम नहीं आई। हमें वहां से भगाया गया और हम भागे, लेकिन ऐसी स्थिति वहां हमारे साथ आई क्यों? क्योंकि वहां हम संख्या में घट गए थे और दूसरा समुदाय संख्या में बढ़ गया था। हम में से जितने भी इस बात को इस वक्त मौजूदा लोग सुन रहे हैं, किसी भी गलत फहमी में ना रहे, आने वाले कुछ सालों में जिस तरह हमारी संख्या घटती जा रही है हमारे देश में, हम आने वाले समय में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और दूसरा समुदाय जो लक्ष्य की तरफ अपनी संख्या हमारे देश में बढ़ाता जा रहा है, वो बहुसंख्यक हो जाएगा। कश्मीर में आप ही के अपने थे जिन्हें वहाँ काटा गया, बांटा गया, भगाया गया, भाग कर यहाँ आए, पढ़ाई करी, नौकरी करी, और वो नौकरी छोड़ी भी जब देखा कश्मीर जैसे हालात तो यहाँ भी पैदा हो गए, और कश्मीरी भाइयों की तरह निराश होकर बैठी नहीं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ी और रोजाना 18 घंटे जिस विषय के लिए आज हम सब इस जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं विषयों के लिए जब भी कभी देश में कानून की बात आए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना है, इसी तरह एक साथ एकजुट कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राजभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।